वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे पास तुम हो ड्रामा सीरियल ने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। इस ड्रामा ने हर ड्रामा के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए थे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी हर ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट थी। इस ड्रामा सीरियल में आयजा खान को एज महविश बनाया गया था। अब आपको हम बताते चलते हैं कि रिसोर्सेज के मुताबिक हमें एक न्यूज़ रिसीव हुई है, जिसमें हमें ये बात पता चली है कि मेरे पास तुम हो का सीजन 2 बहुत जल्दी आने वाला है और इसकी शूटिंग भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपको आयजा खान, हुमायूं सईद और हीरा मानी के साथ साथ बिलाल अब्बास खान भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास तुम हो के सीजन 2 में आपको बिलाल अब्बास खान भी नजर आने वाले हैं, जिसमें वो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ आप सबका दोबारा से दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि बिलाल अब्बास खान भी अब पाकिस्तान के टॉप ट्रेंडिंग एक्टर्स में से एक हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे पास तुम हो की लास्ट एपिसोड में दानिश मर जाता है और महविश जिंदा रहती है। अब इसी स्टोरी को इन्होंने आगे बढ़ाना है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दानिश लास्ट एपिसोड में मर गया था, लेकिन इन्होंने उसको मरा हुआ नहीं दिखाया था, बल्कि सिर्फ हॉस्पिटल में ही दिखाया था कि दानिश मर जाता है। मुमकिन है कि ये दानिश ना मरा हो और आगे से स्टोरी पूरी चलेगी विद बिलाल अब्बास खान, आयजा खान एंड हुमायूं सईद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास तुम हो के राइटर थे खलीलुर्रहमान कमर, और खलीलुर्रहमान कमर जिस भी ड्रामे को लिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से सीज़न 2 को भी खलीलुर्रहमान कमर ही लिखेंगे और ये ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसमें आजकल जो टॉप ट्रेंडिंग एक्टर्स हैं उनको लिया गया है, जिसमें हमारे पास बिलाल अब्बास खान नंबर 1 पर आते हैं। तो अब आप लोगों को मेरे पास तुम हो के सीज़न 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हम ये नहीं रिवील कर सकते कि ये कब आएगा और किस डेट में आएगा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि मेरे पास तुम हो का सीज़न 2 बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, और आप लोग इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट भी करना मत भूलिएगा।